12 महीने की फीस लेने के मुद्दे पर स्कूल संचालकों के फैसले के बाद अब पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा बुलाई गई बैठक। बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। नो स्कूल नो फीस, लॉकडाउन की अवधि तक फीसें जमा करवाने का लिया गया फैसला। बैठक में बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए फैसला लिया गया। वहीं एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम खंड शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। पलपल फतेहाबाद से राजेश आंबो की विशेष रिपोर्ट। फीस मुद्दे को लेकर के निजी स्कूल संचालकों द्वारा अपना रुख स्पष्ट करने के बाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि नो स्कूल नो फीस, यानी फतेहाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित इस बैठक में इलाके में एक बड़ी संख्या के अभिभावक जुटे हैं। बैठक में अभिभावकों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाने पर भी जोर दिया। वहीं दूसरी ओर बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक कोई अभी अभिभावक फीस जमा नहीं करवाएगा। बैठक के उपरांत एसोसिएशन की ओर से उपायुक्त के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम व खंड शिक्षा अधिकारी को भी एक ज्ञापन सौंपा गया। आप देख रहे पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज जिला पेरेंट एसोसिएशन की मीटिंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क जगजीवनपुरा के अंदर हुई थी। उसमें सभी जिला फतेहाबाद के पेरेंट्स उपलब्ध हुए। पेरेंट्स ने लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने के खिलाफ ये मीटिंग का आयोजन किया था। इस मीटिंग के दौरान सभी पेरेंट्स ने मिलकर यह फैसला लिया कि स्कूल नहीं तो फीस नहीं, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो फीस किस प्रकार की। और जो प्राइवेट स्कूल है वो बिल्डिंग फंड, एनुअल चार्जेस और अन्य चार्जेस के नाम पर भारी रकम फीस वसूल रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन, सरकार का जो दिशा निर्देश आया हुआ है उसकी भी पालना नहीं कर रहे हैं। तो आज पेरेंट्स ने सभी ने मिलकर मीटिंग की और मीटिंग में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया कि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे कोई फीस नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब स्कूल में बच्चा नहीं जा रहा फीस किस बात की। फिर ये नौबत क्यों आई, इसका आने का कारण यह है कि एक तो पिछले 40 साल से फतेहाबाद में कोई स्कूल सरकारी स्कूल का निर्माण नहीं हुआ, प्राइवेट स्कूल बनते जा रहे हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी करते जा रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल सरकार ध्यान देती और सरकारी स्कूल बढ़ते तो आज ये पेरेंट्स को नौबत नहीं आती। तो इसलिए आज हमने ये मीटिंग की। मीटिंग में सर्वसम्मति से सब साथियों ने निर्णय लिया और जिला प्रशासन की तरफ से सुरेश कुमार डीओ ज्ञापन लेने पहुंचे। हमने उनको ज्ञापन दिया डिप्टी कमिश्नर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम कि तुरंत प्रभाव से ये डेवलपमेंट चार्जेस, एनुअल चार्जेस, बिल्डिंग चार्जेस, एडमिशन फीस जो स्कूल मनमर्जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप जल्दी से जमा नहीं कराओ तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो हमने कहा इस इन आदेशों के स्कूल के रोक लगाई जाए और उनकी तुरंत प्रभाव से बंदिश की जाए ताकि अभिभावक परेशान ना हो। धन्यवाद। मात्रम 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 मात्
हाँ।